आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि बीटी कॉटन इज नॉट हमें बताना है कि बीटी कॉटन इन चार ऑप्शंस में से क्या नहीं है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीटी कॉटन होता क्या है सो देखो बीटी कॉटन बीटी कॉटन जो हमारे पास में है उसकी डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन बेसिकली ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, क्या है? है? ठीक क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. ओके सो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इसके जो जीन्स हैं वो ऑलरेडी अल्टर्ड है ठीक है जीन्स आर अल्टर्ड ठीक है अब जीन्स अल्टर्ड है सो so मैन्युपलेटेड है ठीक है टू मेक द इंसेक्ट रेजिस्टेंट मैनिपुलेटेड है तो इस वजह से क्या है ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है क्या है इंसेक्ट रेजिस्टेंट है राइट सो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है ये किस वजह से है ये है बीटी टॉक्सिन जीन की वजह से किसकी वजह से बीटी टॉक्सिन जीन की वजह से ये जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट है राइट right? सो so, अब बात आती है बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो प्रोड्यूस कैसे हुआ है सो इट इज प्रोड्यूस बैक्टीरियम ठीक है एक बैक्टीरिया से हुआ है यानी कि ये तो बात साबित हो गई सिस्टम है ये ठीक है और जीएम प्लांट भी है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी है जैसा कि मैंने बताया है फर्स्ट में ठीक है so सो ये दो बातें तो क्लियर हो गई और इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी है ठीक है यानी कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट लिखा है किस वजह से है वो टॉक्सिन जीन की वजह से है. So, अब बात चल रही है कि बीटी टॉक्सिन जीन प्रोड्यूस कैसे हुआ है सो so, ये प्रोड्यूस हुआ है बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलस ठीक है बेसिलस थेनेसिस ओके बेसिलस जेनेसिस ये जो जीन है इसको कहते हैं बीटी ये जो बैक्टीरियम है इसको कहते हैं बीटी। टी बेसिलस थेनेसिस फुल इसकी ठीक है so, सो ये इससे प्रोड्यूस हुआ है सो so, अब बात आती है क्लोन्ड हुआ है फ्रॉम द बैक्टीरिया क्या क्लोन्ड हुआ है बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो जो जीन है ये वाला बीटी टॉक्सिन जीन ये इस वाले बैक्टीरिया से क्लोन्ड हुआ है ठीक है इसको क्लोन्ड कराया गया है ठीक है और क्लोन्ड करा के ये एक्सप्रेस करा गया है प्लांट्स में और तभी ये जो है वो प्रोवाइड करता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ठीक है प्रोवाइड रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स राइट सो अब बात आती है कि ये किन किन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ठीक है सो so, इनमें जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं पहला तो है लेपिडोप टेरेंस राइट right? पहला है लेपिडोपटेरेंस दूसरा है हमारे पास में कोलियोपटेरेंस कोलियोपटेरेंस ओके okay, एंड तीसरा है डिप्टेरेंस राइट डिप्टेरेंस सो so, अब बात यह है, है लेपिडोटेरेंस में क्या क्या आ जाते हैं हमारे बर्डबॉम है ना बर्डबॉम ये सब आ जाते हैं कोलियोपटेरेंस में क्या आ जाते हैं हमारे बीटल्स ओके छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं बीटल्स वो इंसेक्ट्स आ जाते हैं और डिप टेरेंस में हमारी फ्लाइज है ना फ्लाइज और मॉस्किटोज ये सब आ जाते हैं राइट सो so, यही तीन इंसेक्ट्स के कैटेगरीज हैं जिसके लिए ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि सारे के सारे पेस्टिसाइड्स के लिए ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करता कौन नहीं करता बी कॉटन सारे पेस्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करता सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव इंसेक्ट्स के ग्रुप के लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है तो इसलिए बी कॉटन इज नॉट रेजिस्टेंट टू